पासपोर्ट दिखाने के बाद डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। क्या कश्मीर की सूरत बदलेगी? एक के बाद एक देखिए, 11 लोगों की मौत, टारगेट किलिंग, गैर कश्मीर आतंकियों का प्लान तो क्लियर है। वो चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 के बाद जो परिस्थितियां बेहतर हुई थी उसको बिगाड़ना है। कैसे यहाँ के लोगों में डर और दहशत, जो यहाँ आकर यहाँ के निर्माण में अपनी भूमिका दे रहे हैं, उनको पीछे करना है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आपकी सरकार की क्या स्ट्रैटेजी है, गृहमंत्री के आने से क्या सूरत बदलेगी? देखिए, जो आपने सवाल पहले ही शुरू कर दिया कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग जो मारे गए टारगेट किलिंग्स, अगर माना जाए तो यहाँ पे हर रोज हर एक घर में मातम होता है। उसमें टारगेट की बात ही नहीं है, टारगेट हर एक कश्मीरी होता है। टारगेट हर एक कश्मीरी, वो कश्मीरी है जो नेशनलिस्ट सोच रखता है, वो यहाँ पे हमेशा टारगेट रहा है 1990 से। और जब से 370 की बात आई तो 6 महीने तक या साल भर तक ऐसी किलिंग्स नहीं हुई। ये बदनसीबी मानिए कि हम कश्मीरी जो अमन पसंद है, तरक्की पसंद है, उनके लिए ये बदनसीबी थी। ये हमारे लिए एक ऐसा बदनुमा दाग लग गया कि कुछ हफ्तों पहले या कुछ हफ्ते पहले हमारे यहाँ पे टारगेट किलिंग्स, आप सारे नाम देते हैं, हम ये कहेंगे इंसानियत का खून हो गया। अच्छा, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनी हुई है, आप अपने अंदाज के लिए जानी जाती है, इतनी सुरक्षा के साथ, इतने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आपको घूमना पड़ता है, आपकी परिस्थिति कुछ बदली है क्या? बीजेपी का सदस्य होकर आज यहाँ पर ज्यादा खतरा है या फिर बेहतर परिस्थिति है, जरा ये बताइए। हम आपको ये कहना चाहेंगे, या तो ये मौका भी नहीं था, आपने सवाल पूछ ही लिया। हम तब से सुरक्षा में घूम रहे हैं, ये सारे हमारे भाई जानते हैं, जब हम स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लेवल से, क्योंकि हम हमेशा नेशनलिस्ट रहे। ये नहीं है कि बीजेपी की वजह से हमारी सुरक्षा बढ़ी या सुरक्षा में, हम तब से स्टूडेंट लीडर रहे हैं और तब से ही हमने अपने तिरंगे के साथ चलना सीखा, अपने मुल्क और अपने आईन के तहत जो भी बातें होती थी हमने कही, क्योंकि उस वक्त दौर ऐसा था जब सेपरेटिस्ट का दौर था और हम अकेले थे जो बात अपनी कह रहे थे, वो भी हिंदुस्तान। खतरा कम हुआ इन 2 सालों में या बढ़ा, कैसा, मतलब उस पर मैं, मेरा सवाल था छोटा सा। बिल्कुल अंजना जी, देखिए, खतरा तो कम होता हमें नजर आ रहा है क्योंकि अब वो परिस्थितियां नहीं रही और इंशाल्लाह अमन का दौर आएगा। ये जरूरी है कि आज आप देख रहे हैं, आप आए हैं और बिन मौसम की बरसात हो रही है और बर्फ हो रही है, यही जो पीछे टारगेट किलिंग्स हैं वो बिन बरसात के, और वो हम उसको मानेंगे कि वो वैसी ही किलिंग है जैसे आज बिन मौसम के बरसात हो रही है। ऐसा मौसम नहीं रहेगा, ऐसी किलिंग्स नहीं होंगी, कश्मीर में फिर से अमन आए।